तो अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीन पॉइंट्स एच कॉमा जीरो, ए कॉमा बी एंड जीरो कॉमा के एक लाइन पर लाई करते हैं, और हमें यह शो करना है कि ए बाय एच प्लस बी बाय के जो है वो वन के इक्वल है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आप इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करिए। आई होप आप सभी ने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें यह गिवन है कि जो तीन पॉइंट्स है वह एक लाइन पे लाई करते हैं, तो अगर हम इनको नेमिंग दें तो ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं वह एक लाइन पे लाई करते हैं, और हम यह जानते हैं कि यदि कोई तीन पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं तो वह कोलिनियर होते हैं, और हम कोलिनियरिटी की कंडीशन भी जानते हैं जो कि होती है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और आप स्लोप निकालना भी सीख चुके हैं जिसका यूज करके हमें यहां पर मिलेगा बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन जीरो माइनस ए, जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा माइनस ए बी इज इक्वल टू के माइनस बी इंटू ए माइनस एच। इसको भी हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमें मिलेगा के ए प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वहां पे राइट हैंड साइड पे 1 है, और हमें इस इक्वेशन में 1 बनाने के लिए के एच से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड में के एच से डिवाइड करेंगे जिससे हमें मिलेगा के ए अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच इज इक्वल टू के एच अपॉन के एच। फर्दर इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आपने लाइन का स्लोप निकालना सीखा और यह भी देखा कि हम किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं जब हमें उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो। इसी के साथ आपने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशंस पढ़ी, और अंत में आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस और कोलिनैरिटी ऑफ पॉइंट्स के स्लोप्स के टर्म में क्या कंडीशन होती है वो भी देखा। तो यह कुछ रेफरेंस क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं।